वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन एमसीक्यूज ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस तो इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने यूनिट थ्री एनालिटिक फंक्शन के ऊपर एमसीक्यूज क्वेश्चन उसकी थेरी डिस्कस की थी आज के वीडियो लेक्चर में हम यूनिट फोर कन्फर्मल मैपिंग और बाइलिन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एमसीक्यूज क्वेश्चन और उसकी थेरी डिस्कस करेंगे तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं सो व्हाट इज अ कन्फॉर्मल मैपिंग अ मैपिंग हम प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में मैपिंग डिफाइन दैट द एंगल बिटवीन एनी ओरिएंटेड कर्व बोथ इन द मैग्नीट्यूड एंड सेंस तो जो मैपिंग एनी टू ओरिएंटेड कर्व के अंदर मैग्नीट्यूड और सेंस के साथ एंगल प्रिजर्व करे उस मैपिंग को हम क्या बोलेंगे कन्फर्मल मैपिंग जैसे आप यहां पर देख सकते हो जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में हमने मैपिंग डिफाइन की तो यहां पर थीटा जो एंगल बिटवीन दिस टू कर्व एंड है तो वो झेट प्लेन के अंदर क्या बन गया फाय एंगल बन गया वहां पर आप देख सकते हो थीटा और फाय दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और उनका सेंस भी सेम है सेंस मतलब डायरेक्शन जैसे यहां पे एंटी वाइज है और यहां पर भी एंटी एंटीक्लोकवाइज है तो ऐसे मैपिंग को हम क्या बोलेंगे कन्फर्मल मैपिंग। और अगर बस मैग्नीट्यूड प्रिजर्व रहे और सेंस प्रिजर्व नहीं रहे तो उस मैपिंग को हम क्या बोलेंगे आईसोगुनल मैपिंग जैसे आप यहां पर देख सकते हो थीटा और फाय इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर यहां पर एंटी एंटीक्लोकवाइज है और यहां पर क्लॉकवाइज है तो जहां पर बस ओनली मैग्नीट्यूड प्रिजर्व है और सेंस प्रिजर्व ना रहा है उस मैपिंग को हम क्या बोलेंगे आइसोगोनल मैपिंग तो कंडीशन क्या है कि जो मैपिंग हम डिफाइन करें डब्ल्यू जी कोलॉबेड ये कब कन्फर्मल होगी उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है द नेसेसरी कंडीशन फॉर द मैपिंग डब्ल्यू जीकल एफ टू बी कन्फर्मल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द डी इज दैट एफ ऑब्जेड इज एनालिटिक इन द रीजन डी तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि वहां पर फंक्शन क्या होना चाहिए एनालिटिक होना चाहिए और वही सफिस कंडीशन क्या है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव क्या है नॉन जीरो पर एक्स्ट्रा कंडीशन है देन हम बोल सकते हैं कि मैपिंग क्या हो जाएगी हमारी कन्फर्मल तो ये है हमारी नेसरी कंडीशन और ये सफिसियंट कंडीशन कंडीशन में एक्स्ट्रा क्या है कि यहाँ पर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए ठीक है तो हम कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे पहले ट्रांसलेशन ये किस तरह से डिफाइन होगा W इज इक्वल टू जेड प्लस अल्फा वेर अल्फाइज कॉम्प्लेस कॉन्स्टेंट तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर क्या होगा बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन ईच पॉइंट इन द प्लेन इज मूव अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ अल्फा थ्रू द डिस्टेंस ऑफ मॉडल ऑफ अल्फा इन द डबल्यू प्लेन तो यहां पर क्या होगा जैसे यहां पर जेड हमारा नॉर्मल आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसमें प्लस अल्फा तो अल्फा डिस्टेंस से वो क्या करेगा ट्रेवल करेगा इसलिए इसका नाम है ट्रांसलेशन ठीक है जैसे आप यहां पे फिगर में देख सकते हो सेकंड रोटेशन तो रोटेशन में क्या होगा रोटेट होगा तो so, इस तरह से W डब्ल्यूल टू टू दावर आई थीटा नॉट Z तो so, Z से किससे मल्टीप्लाई हो गया इ पॉवर आई थीटा Z वेर थीटा नॉट इज अ रियल कॉन्स्टेंट ठीक है तो बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन द फिगर्स इन द Z प्लेन आर रोटेट थ्रू द एंगल ऑफ थीटा नॉट इन द W प्लेन जो भी आपका थीटा नॉट होगा अकॉर्डिंगली वहां पर रोटेशन होगा ठीक है अगर आपका थीटा नॉट पॉजिटिव है ग्रेटर देन है तो रोटेशन क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेशन होगा जब आपका थीटा क्या हो थीटा नॉट क्या हो पॉजिटिव हो तो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज आपका रोटेशन होगा अगर थीटा नॉट लेस देन जीरो रोटेशन क्या होगा क्लॉकवाइज होगा इस तरह से ठीक है थर्ड स्ट्रेचिंग और मैग्निफिकेशन किस तरह से डिफाइन होगा W इज इक्वल टू ए जेड तो यहां पे क्या हुआ ए से क्या मल्टीप्लाई हुआ है Z के साथ तो A क्या है एक एनी रियल कॉन्स्टेंट ठीक है तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ A अगर ए ग्रेटर देन वन है तो क्या होगा स्ट्रेचिंग जैसे यहाँ पर सिंपल सिंपल्यूक्ल टू जेड है तो टू जेड अगर हो गया तो जेड का डबल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो गया स्ट्रेचिंग हो जाएगा ठीक वह, है और वही अगर ए की वैल्यू लेस देन वन है और ग्रेटर देन जरूर समझ लीजिए कि ए की वैल्यू हाफ है तो जो जेड है आपका तो वहां से उसके हाफ हो जाएगा उससे छोटा हो जाएगा और ठीक तो है तो डिपेंडिंग अपॉन दिस वैल्यू ऑफ ए अगर ये ग्रेटर देन है तो स्ट्रेचिंग होगा अगर ये लेस देन वन है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा इस

नहीं होगी और स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैप होगी जब जब वो लाइन ओरिजिन से पास होगी तो इसको याद कैसे रखना है स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन के अंदर मैप होगी इनोवेशन ट्रांसफॉर्मेशन जब वो ओरिजिन के अंदर पास होगी अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो फिर स्ट्रेट लाइन सर्कल में मैप होगी बस उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन द जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स लिनियर ट्रांसफॉर्मेश डब्ल्यू इज इक्वल टू एजेड प्लस बी वीर एंड बी आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट तो यह लिनियर इक्वेशन आपको यही से दिख रहा है तो so, यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सारे अभी तो जो अभी तक जो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन पड़े है उसी का कॉम्बिनेशन होगा एक्लूडिंग इन्वर्शन ट्रांसफॉर्मेशन तो जनरल लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसलेशन रोटेशन एंड स्ट्रेचिंग ठीक है इसमें इनवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो अभी इसके ऊपर के हम एमसीकु क्वेश्चन करते हैं जो कन्फर्मेपल मैपिंग के ऊपर आए हैं तो मैपिंग W इज इक्ल टू ए इज रियल नंबर इज यहां पर क्या A मल्टीप्लाई होता है तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है अभी हमने देखा कौन सा, तो तो सा है ये स्ट्रेचिंग और मैग्निफिकेशन अगर A ग्रेटर देन है स्ट्रेचिंग A अगर लेस देन वन है तो कॉन्ट्रेक्शन तो कौन सा है ये ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट रहेगा ऑप्शन बी मैग्निफिकेशन ठीक है तो ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यूज इक्ट इेड थीटा नॉट इज रियल कॉन्स्टेंट क्या होता है अभी हमने पढ़ा क्या होता है रोटेशन ठीक है जैसे थीटा ग्रेटर लेकिन ऑप्शन ए थर्ड द अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑप्सट इज गड वन बाय बाय मतलब आपका इन्वर्शन ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन मैप टू अभी हमने मैंने आपको बताया था अगर वो स्ट्रेट लाइन है पास कर रहा है ओरिजिन से तो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैप करिए क्या क्या बोल रहा है नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन तो नॉट पासिंग थ्रू के ओरिजिन के टाइम में क्या होगा सर्कल में मैप होगा मतलब कौन सा ये फर्स्ट ऑप्शन ठीक है कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ए वही क्वेश्चन आ गया कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन कहां पे मैप होगा तो अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन तो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैप होगा अंडर दिस इन्वर्शन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये सेकंड बी ठीक है तो कौन सा करेक्ट रहेगा बी तो मैपिंग के ऊपर जितने एमसीक्यूज़ क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हैं वो हमने डिस्कस किए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म डब्ल्यू इज इक्वल टू एड प्लस डी विदीशन एडी माइनस बी सी नॉन जीरो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या बोलेंगे बाईलिनियर और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन तो यहां पे आपको समझ में आ रहा है बाइलिनियर जैसे, जैसे, जैसे न्यूमरेटर में भी लिनियर है और डिनोमेटर में भी बिलिनियरिटी है और इस ट्रांसफॉर्मेशन को और क्या बोल सकते हैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे कंडीशन क्या है एडी माइनस बीसी नॉन जीरो ठीक है तो प्रॉपर्टीज क्या है बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे पहली प्रॉपर्टी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन असोसिएट वन टू वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ जेड प्लेन एंड डब्ल्यू प्लेन प्लेन और डब्ल्यू प्लेन के अंदर वन टू वन करस्पॉडेंस रहेगा अंडर दिसर से बाइलिनियरफॉर्मेशन इज अम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन रोटेशन स्ट्रेचिंग और एंड इनवर्शन यहां पर सारे जो हमने कन्फर्मल मैपिंग जो ट्रांसलेशन रोटेशन स्ट्रेचिंग और इन्वर्शन मैपिंग पढ़ी है वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है कॉम्बिनेशन ही होगा ट्रांसफॉर्मेशन इजिंग पढ़ता कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ऑल फोर ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है जो लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें जीरो आ जाएगा तो इन बन जाएगा इसलिए ठीक है तो जब भी एडी माइनस बी सी नॉन जीरो होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा क्या होगा कन्फर्मल होगा उसके बाद क्रॉस रेशियो तो क्रॉस रेशियो किस तरह से डिफाइन होता है इफ जेड वन जेड टू जेड थ्री एंड जेड फोर आर डिस्टिंग पॉइंट देन द क्वांटिटी जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर इज इक्वल टू जेड जेड वन माइनस जेड टू यहां पर देख सकते हैं इसको याद कैसे रखते हैं हम जेड वन माइनस जेड टू फिर जेड टू माइनस जेड थ्री देन जेड थ्री माइनस जेड फोर देन जेड फोर माइनस जेड वन तो ये जो क्वांटिटी इसी को हम क्या बोलते हैं क्रॉस रेशियो ऑफ दिस ऑल पॉइंट जेड वन से लेके जेड फोर ठीक है इसी प्रॉपर्टीज क्या है क्रॉस रेशियो रिमेन्स इन वेरियंट अंडर द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो बायर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्रॉस रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा मतलब यहां पे आप जेड वन झेड टू जेड फोर जेड थ्री जेड फोर ये आपके पॉइंट्स है इसके ऊपर आप बाइलेन ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिए मतलब ये बुक इसके इक्वल होंगे जैसे यहां पे टी जेड वन टी ऑफ जेड टू टी ऑफ जेड थ्री और टी ऑफ जेड फोर इसी के इक्वल होगा वेर टी इज एनी अर ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है इस तरह से मतलब बायर ट्रांसफॉर्मेशन अंडर क्रॉस रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा प्रॉपर्टी बाय क्रॉस रेशियो इज प्योरली रियल प्योरली रियल ये क्रॉस रेशियो की वैल्यू प्योरली रियल कब होगी इफ एन ओन लिइंटन थ्री एनड फोर लाइ ऑन अ स्ट्रेट लाइन और अ सर्कल जब सारे के सारे पॉइंट वन से लेके पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर या सर्कल के ऊपर जब लाई करेंगे तब इस क्रॉस रेशियो का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा रियल रहेगा प्योरली रियल ठीक उसके बाद फिक्स्ड और इनवेरियंट पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द बाइली ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है तो लेट डब्ल्यूज इक्ट बी ट्रांसफॉर्मेशन देन फिक्स पॉइंट से हम निकालते तो हम फिक्स कर रहे Z Z, मतलब Z के लिए Z. तो उस इस तरह से हम निकालेंगे फिक्स पॉइंट और इनवेरियंट पॉइंट जिसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है इसलिए इनवेरियंट ठीक है और सेकंड क्रिटिकल पॉइंट किस तरह से मिलेंगे हम डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू जीरो तो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द फिक्स एंड द क्रिटिकल पॉइंट्स सबसे पहली प्रॉपर्टी एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अदर देन आइडेंटिटी हैज एट द मोस्ट टू फिक्स एट द मोस्ट टू पॉइंट एट द मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा टू फिक्स पॉइंट हो गए अदर देन आइडेंटिटी आइडेंटिटी अगर हो लिया तो एवरी पॉइंट क्या हो जाएगा फिक्स पॉइंट तो इन्फिनेटली मिलने रहेंगे तो so, वो केस तो एक स्पेशल केस हो गया तो so, बाइली हर एक बाइलिन ट्रांसफॉर्मेशन के पास एट द मोस्ट

नॉर्मल फॉर्म विद सिंगल फिक्स पॉइंट अगर सिंगल फिक्स पॉइंट रहा अल्फा तो कौन सा नॉर्मल फॉर्म रहेगा अल्फा अल्फा ठीक है 1 1 Z K. तो अकॉर्डिंग टू दिस नॉर्मल दिसमल और फिक्स पॉइंट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप्स क्या क्या है सबसे पहली टाइप पैराबोलिक कब जब सिंगल फिक्स पॉइंट रहेगा और फॉर्म कौन सा रहेगा सिंगल फिक्स पॉइंट रहेगा तो फॉर्म कौन सा रहेगा ये सेकंड फॉर्म रहेगा ठीक है इलेप्टिकल जब टू फिक्स पॉइंट फॉर्म रहेगा फर्स्ट और के का मॉडुलस क्या रहेगा वन हाइपरबोलिक कब रहेगा टू फिक्स पॉइंट तो फर्स्ट फॉर्म तो रहेगा और मॉडुलस ऑफ के इज नॉट इक्वल टू वन एंड के इज रियल और फोर्थ लॉकजो अदर देन अब जब इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे लॉक्जोड्रोमिक तो पैराबोलिक सिंगल फिक्स पॉइंट इलिप्टिकल में टू फिक्स पॉइंट और के का मॉडुलस वन हाइपरबोलिक में टू फिक्स पॉइंट का मॉडल नॉट इक्वल टू एंड के इज रियल एंड लॉक्सोडिक में अदर देन अबो ठीक है तो अभी इसके ऊपर के एमसीक्यूज क्वेश्चन करते हैं तो बायर ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू एड प्लस बी बाई सीट प्लस बी इज कन्फर्मल कब होता है कन्फर्मल वेन एडी माइनस बी सी इज नॉन जीरो अभी हमने देखा है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन सी ठीक है क्योंकि एवरीवेयर कन्फर्मल होता है कंडीशन क्या है एडी माइनस बीसी नॉन जीरो द क्रॉस रेशियो ऑफ फोर डिस्टिंग कॉन साइक्लिक पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉन्साइकलिक मतलब चार पॉइंट्स जो फोर डिस्टिंग कॉन्साइक्लिक पॉइंट मतलब कॉनसाइकलिक कौन से पॉइंट को बोलते हैं जो सारे पॉइंट सर्कल के ऊपर लाइक करते हैं ठीक है अभी हमने देखा कि अगर प्योरली रियल कब होगा जब वो सारे पॉइंट आई लाइन के ऊपर लाइ करेंगे और सर्कल के ऊपर लाइन करेंगे तो क्रॉस रेशियो क्या होता है प्योरली रियल तो यहाँ पर कौन साइक्लिक पॉइंट्स है तो सब सारे सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो, तो कौन सा क्या रहेगा क्रॉस रेशियो का वैल्यू प्योरली रियल तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन ए थर्ड द इनवेरियंट पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इज इक्वल एफ ऑफ जेट आर गिवन बाय कैसे मिलता है इनवेरियंट ट्रांसफॉर्मेशन जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेट से ठीक है ये मैपिंग से जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेट मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा जब हम फिक्स करेंगे पॉइंट को

तो कैसे मिलता है फिक्स पॉइंट टू एफ ऑफ जेड तो हम रिप्लेस करेंगे तो यहां पर w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड है तो एफ ऑफ जेड की जगह तो इधर क्या जाएगा ठीक तो है तो c z ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो c z इंटू जेड जेड स्कोर सी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड उधर क्या बचा है एड प्लस बी वो जब राइट साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा एड प्लस बी साइड आएगा तो माइनस ए जेड B तो, ये क्या मिल गया? आपको एक equation, तो अगर रहेगा हमेशा तो हमेशा एन डिग्री का इक्वेशन है तो एन रूट्स तो तो है? है, तो मिलते हैं ये तो आपको थेरम पता ही है ठीक तो है तो उस अकॉर्डिंग अगर सी नॉन जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो टू फिक्स पॉइंट मिलेंगे टू रूट्स मिलेंगे ठीक है सेकंड अगर जीरो एंड डी इज नॉट इक्वल टू सी अगर जीरो नॉट इक्वल टू ए है तो D अगर इक्वल टू ए हो गया तो डी जेड माइनस दोनों इक्वल हो जाएंगे और फिर आउट हो जाएंगे बस minus B. तो उस केस में वो लीनियर इक्वेशन भी नहीं रहेगा ठीक है इसलिए डी नॉट इक्वल टू ए जब यह केस रहेगा तो अब क्या मिलेगा हमें सिंगल फिक्स पॉइंट क्योंकि फिर लीनियर इक्वेशन रहेगा ठीक है थर्ड केस इफ सी इज इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू जीरो सी इज जीरो मतलब क्वाड्रेटिक नहीं रहा d इज इक्वल टू है मतलब ये भी जीरो हो गया और b भी जीरो हो गया तो क्या हो गया जीरो इज इक्वल टू जीरो मतलब हमेशा सेटिस्फाई करें जैसे आप बाइल ट्रांसफॉर्मेश देख सकते हैं या b भी जीरो हो गया या c भी जीरो हो गया और d इज इक्वल टू ए हो गया d इज इक्वल टू ए तो a और d कैंसिल आउट हो जाएगा क्या बचेगा z इज इक्वल टू जेड मतलब क्या मिल गया आपको आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन उस केस में क्या होगा एवरी पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट ठीक है तो हमने देखे तीनों केस तो आईदर टू फिक्स पॉइंट हो सकते हैं या सिंगल फिक्स पॉइंट हो सकते हैं अगर आइडेंटिटी में यहां पर आ तो इन्फाइनेटली मिनी क्योंकि हर एक पॉइंट फिक्स पॉइंट बन जाएगा ठीक है तो पहला ऑप्शन पॉसिबल है सेकंड ऑप्शन भी पॉसिबल है और लास्ट ऑप्शन कैन हैव इन्फाइनेटली मेनी फिक्स पॉइंट ये भी पॉसिबल है तो फॉल्स कौन सा है मे नॉट है फिक्स पॉइंट तो कम से कम एक फिक्स पॉइंट तो हमेशा रहेगा एक रहेगा दो रहेगा इन्फाइनेटली मेनी रहेंगे पर कभी भी फिक्स पॉइंट नहीं रहेगा मे नॉट है फिक्स पॉइंट ये गलत है तो कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट लेना है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन सी ठीक फिफ्थ क्वेश्चन मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट आइडेंटिटी कैन हैव फॉलोइंग नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट अगर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन अदर देन आइडेंटिटी कितने होते हैं मोस्ट टू फिक्स पॉइंट एट द मोस्ट टू पॉइंट तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन डी ठीक है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट फॉर्म आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन हैज नो फिक्स पॉइंट एट मोस्ट टू fixed पॉइंट हैज थ्री fixed पॉइंट इनफाइनटली मेनी फिक्स पॉइंट तो अभी हमने डिस्कस किया क्या होते हैं एट द मोस्ट टू फिक्स पॉइंट व्हिच इज नॉट आइडेंटिटी अदर आइडेंटिटी रहे तो एट द मोस्ट टू फिक्स पॉइंट देख सकते ओनली फिक्स पॉइंट के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन आए हैं तो ठीक है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन बी सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिक्स पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड माइनस वन बाय प्लस वन आर तो हमें यहाँ पे फिक्स पॉइंट निकालने हैं तो किस तरह से निकालते हैं हम जेड इज इक्वल टूप ऑफ तो डब्ल्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे जेड तो जेड प्लस वन इंटू जेड क्या होगा जेड स्क्र प्लस जेड इधर क्या बचेगा जेड माइनस वन फिर ये जेड जेड माइनस जेड जेड कैंसिल हो जाएगा इधर आएगा जो क्या बचेगा जेड स्क्र इज इक्वल टू माइनस वन ठीक है तो जेड की वैल्यू क्या होगी स्क्र रूट ऑफ माइनस वन स्क्र रूट ऑफ माइनस वन क्या होता है प्लस माइनस i यहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो जेड की वैल्यू हमें क्या मिली प्लस आय और माइनस तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन बी ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिक्स पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू थ्री जेड माइनस फोर बायन वन तो जब जैसे अभी किया था क्वेश्चन से हम इसको भी करेंगे क्या हो जाएगा जेड पुट करतेड इंटू जेड माइनस वन क्या हो जाएगा जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर माइनस जेड इधर बचेगा इधर थ्री जेड माइनस फोर ये थ्री जेड माइनस फोर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री जेड और ये माइनस फोर क्या हो जाएगा प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो थ्री जेड क्या हो जाएगा माइनस फोर जेड प्लस फोर तो ये किस तरह से मिल गया आपको जेड स्क्वेयर माइनस टू इंटू टू जेड प्लस टू का स्क्वेयर दिख रहा है आपको यहां पर तो ये क्या बनेगा जेड माइनस टू का होल स्क्र बनेगा ठीक है तो यहां पर क्या वैल्यू मिलेगी जेड इज इक्वल टू 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 ये रूट्स मिलेंगे इसके ठीक है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन डी ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन अ बाइली ट्रांसफॉर्मेशन विद ओनली वन फिक्स पॉइंट इज अगर ओनली वन फिक्स पॉइंट रहा तो उस बायलिने ट्रांसफॉर्मेशन तो को हम क्या बोलते सबसे पहले टाइप थी कौन सी पैराबोलिक ठीक है ओनली सिंगल फिक्स पॉइंट जब रहा तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते बायर ट्रांसफॉर्मेशन को पैराबोलिक ठीक है कौन सा ऑप्शन कट रहेगा ऑप्शन बी टेंथ क्वेश्चन अ बाइलीन ट्रांसफॉर्मेशन विथ टू नॉन इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट अल्फा एंड बीटा हैविंग द नॉर्मल फॉर्म दिस इज इलिप्टिकल इलिप्टिकल पूछा है ठीक है तो इलिप्टिकल कब होता है जब मॉडल ऑफ के क्या हो इक्वल टू वन ठीक है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन ए इसी तरह से अगर हाइपरबोलिक के लिए क्वेश्चन आया तो कब होता है हाइपरबोलिक जब मॉडल ऑफ के नॉट इक्वल टू वन एंड के इज रियल ठीक कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन बी नेक्स्ट एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद टू फिक्स पॉइंट द फॉर्म क्या होता है form, जब रहे तो, तो यहां पर कहा दिख रहा है आपको ऑप्शन डी ठीक है तो अभी हमने सारे जितने भी क्वेश्चन कॉन्फर्म मैपिंग और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के आए हैं उनकी थे और एमसी को हमने डिस्कस कर लिए तो अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मैट्रिक्स स्पेसेस के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगर इसके पहले की आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो यहाँ पर जो लिंक्स अवेलेबल है वहां से आप इसको देख सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक यू